एक पुराना मकान है और एक जो है वो नया मकान है। एक ओल्ड इंडिया आप इसको कह सकते हैं और एक इसको न्यू इंडिया आप कह सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा भारत जो है वो इस गांव के अंदर अपने आप में सिमटा हुआ है। इस गांव में भी ये पानी के निकालने के लिए, पानी के निकास के लिए इतना बड़ा जो है वो नाला लगा है, नाला। और ये इधर आप दिखाइए जरा, इधर आप दिखाइए, पक्की जो है वो सड़क है। तो ये छोटा सा गांव है लेकिन इस गांव में भी इतना डेवलपमेंट क्यों है? कैसे? उत्तर भारत के लोग जो है वो ज्यादा धार्मिक है, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा धार्मिक है, ये भी कई बार जो है वो बहस छिड़ती है। धार्मिक का जब बात आता है सब अपने अपने धर्म के लिए कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सब अपना धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, अपना अपना जगह में अपने धर्म को पालन पक्का करता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दक्षिण भारत हो, कोई भी हो, कोई भी अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहता। तो धर्म से लेकर यहाँ पे धार्मिक को लेकर कोई इश्यूज नहीं होता। देखिए छोटा सा गाँव है और उस गाँव के अंदर भी इतनी शानदार जो है वो आंगनबाड़ी बनी हुई है। दोपहर में जब हम लोग इधर थे तो बच्चे भी थे इसमें, अभी जो है वो क्योंकि थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया है तो इसको बंद हो गई है। ये जो हम देख रहे हैं ये कई ऐसी सी ये टंकियां बनाई गई है। ये क्यों है? ये गांव का सभी जो नागरिकों को घर घर में पानी नहीं पहुंचा सकता, एक रास्ते के अंदर में अगर दो चार ऐसा डाल देगा तो सभी लोग ले आके पानी लेके जा सकता बिना पैसे दिए। ये सरकार की तरफ से सभी गांवों में ये फैसिलिटी दिया गया। भारत यात्रा की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से कैसे भारत यात्रा गुजर रही है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन भारत यात्रा भारत से जुड़कर के बनती है और भारत जुड़ता है अलग अलग छोटे छोटे गांवों से। एक छोटे से गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव में ये पूरा गांव जो है वो तकरीबन मैंने घूम करके देखा है और इस गांव में मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा भारत बसता है और छोटे से भारत को आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे साथ में गोविंद है जो कि हिंदी जानते हैं, काफ़ी मुश्किल हमें यही करनी इस मुश्किल का सामना यही करना पड़ा कि हिंदी जानने वाले इधर बहुत कम लोग हैं। तो ये आप देखिए एक छोटा सा जो जितना मैं इस गांव को समझ पाया, ये आप देखिए ये पूरा मकान आप देख रहे हैं, पत्थरों का पूरा मकान है और ये और इधर आप दिखाइए, इधर आप दिखाइए, ये एक पूरा अभी नया मकान जो है अभी जो नया बनाया है वो पूरा नया मकान है। तो ये दो तस्वीरें जो है वो हमारे सामने है, एक पुराना मकान है और एक जो है वो नया मकान है। एक ओल्ड इंडिया आप इसको कह सकते हैं और एक इसको न्यू इंडिया आप कह सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा भारत जो है वो इस गांव के अंदर अपने आप में सिमटा हुआ है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर नारियल को लेकर के आप अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से, तो आप एक बार थोड़ा दिखा दीजिए नारियल को लेकर के जो यहाँ के लोगों की जो आजीविका है, जो इनका पैसे का रोजगार का जो साधन है वो नारियल पर भी टिका हुआ है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। छोटा सा गांव है और इस गांव का नाम आप बता दीजिए और अपना परिचय भी जो है आप दे दीजिए। इस गांव का नाम है अंची बवनल्ली, मंडिया डिस्ट्रिक्ट, नागमंगला तालुक, कर्नाटक स्टेट है। अच्छा, आप गोविंद है? मेरा नाम गोविंद है, केंद्रीय अरसेना पड़े में 22 साल नौकरी करके मैं रिटायर्ड आ चुका हूँ। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि छोटा सा गांव है जिसमें ये जो है इतना पत्थरों का पुराना मकान है, लेकिन इस गांव में भी आप दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, थोड़ा आप आगे आइए, इस गांव में भी ये पानी के निकालने के लिए, पानी के निकास के लिए इतना बड़ा जो है वो नाला लगा है, कंक्रीट नाला है। और ये इधर आप दिखाइए जरा, इधर आप दिखाइए, पक्की जो है वो सड़क है। तो ये छोटा सा गांव है लेकिन इस गांव में भी इतना डेवलपमेंट क्यों है? कैसे? इस डेवलपमेंट ऐसे होता है कि जो गांव में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, जो शिक्षण किया हुआ लोग है, सब एकजुट करके सरकार से जो सहूलत लेना है वो सरकार तक आवाज़ पहुंचाती है। वो ग्राम का लेवल में जो भी अधिकारी लोग हैं गाँव के अंदर जो जो चीज़ करना है वो करता है, अपने आप करता है। हमारा सब एकजुट होकर काम करना है बस यहाँ पे, जो पुराना हो नया हो, जब तक सरकार तक हम हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली गांव के लोग जब हिंदू मुस्लिम का कम्युनल जो है वो बात नहीं करेंगे और इशू की बात करेंगे तब डेवलपमेंट होगा? यस, 100% सही है। हाँ। यहाँ पे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का कोई कम्युनल राइट नहीं होता है। हम सब मिल के एक साथ अपना काम करता है, जो भी हमारे को तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसको आगे जो अधिकारी होता है वार्ड वाइज उस अधिकारी का जब बताएगा वो खुद ही हमारा गांव में आता है, वो भेंट करता है, जो भी ज़रूरत है एक मनुष्य को जीने के लिए गांव के अंदर, समाज के अंदर, वो सारे चीज़ पहुंचाता है। तो ये जो है
उत्तर भारत में खास करके दक्षिण भारत को लेकर के जो कई सारी चीज़ें कही गई कि इस तरह की बात है, उस तरह की बात है, उन तमाम बातों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और छोटा सा गांव है और इस गांव में मैं दिखा रहा था कि कच्चे मकान पक्के मकान हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए सरकारी ये आंगनवाड़ी है। यस, सरकारी आंगनवाड़ी है। इसमें बच्चों को यहाँ पे लेके आता है, उनको जो भी है प्राथमिक शिक्षणा में जो जो सिखाया जाता है वो बच्चों को सिखाता है और समय समय पर उनको खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। देखिए छोटा सा गांव है और उस गांव के अंदर भी इतनी शानदार जो है वो आंगनवाड़ी बनी हुई है। दोपहर में जब हम लोग इधर थे तो बच्चे भी थे इसमें, अभी जो है वो क्योंकि थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया है तो इसको बंद हो गई है। और इधर जो है साथ में आप दिखाइए, साथ में जो है वो आप ये दिखाइए, इस तरह का जो है वो मैंने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो इस तरह से आप ये देखिए ये वाटर यहाँ पे ये लगाया है वाटर प्योरीफायर का। यस यस, ये इसी गांव का अंदर में सरकार की तरफ से, क्योंकि सभी लोगों को आरोग्य दृष्टि से स्वच्छ पानी पीना बहुत अनिवार्य है इस जनरेशन के लिए, इसलिए यहाँ सभी गाँवों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ 2 रुपये या किसी किसी गांव में फ्री ऑफ कास्ट में ये पानी 20 लीटर को मिलता सभी को। अभी देखिए थोड़ा एक जरा ये भी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ये जो नारियल है इसको कच्चे नारियल को काट करके पानी पीते हैं वो वाला नारियल है, और ये नारियल को इधर स्टोरेज करके रखा है, इसका कैसे जो है वो आप लोग करते हैं, इससे कैसा पैसा कमाते हैं? ऐसा है ना, ये नारियल का जो बगीचा से जब सूखने के बाद गिर जाता है, जब सूखने के बाद जब गिर जाता है इसको पूरा इकट्ठा करके गाँवों में ला के रख देता है। उसके बाद जब जैसे मार्केट में जैसे रेट होता है अप डाउन होता है उसी प्रकार से रेट उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा तब बिक्री कर देता। तो ये पका पेड़ के ऊपर उसके बाद में नीचे गिर गया, अपने आप गिरता, नीचे गिर गया, आपने उठाया इसको यहाँ पे कर दिया। यस। तो अभी इसको ऐसे कैसे बेचेंगे, इसका कुछ छीलेंगे कि निकालेंगे? नहीं नहीं, वैसे का वैसे बेच देंगे, जो लेने वाला आता है ऐसे ही बेच देंगे। मीडिएटर्स आता है वो एक का हिसाब से, एक पीस के हिसाब से भी बेचता है, किलो का हिसाब से भी बेच देता है। अच्छा, कितना रुपए किलो और कितना रुपए पीस के हिसाब से? मे भी अभी 40 रुपए करीब चल रहा है 1 kg में, 1 kg मतलब छिलका निकालने के बाद। अच्छा, तो इसमें से जो नारियल निकलेगा वो जो हम लोग हलवा वगैरह में काट करके घिस करके डालते हैं, खोपरा बनता है, खोपरा वो जो सूखा नारियल, सूखा नारियल जो बन जाता है उसको खोपरा बोलता है, उसको बाद में और ज्यादा रेट में बिकता है, वो भी मंडी में बेचता है ले जाके। तो देखिए ये जो चीजें हैं, छिलका है दूसरा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे रस्सियां बनता है, मैट बनता है, कारपेट बनता है। हाँ। और फुट जो साफ करने के लिए ये बनता है, हर कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होता, मैट्रेस बनता है। हाँ। कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होता इसका। हाँ। नारियल का तो ये जो नारियल के जो पहले जो गद्दे बनते थे बेड के, जो गद्दे बनते थे अभी भी बनता है। हाँ। कंपनियों में बनता है जो अभी, लेकिन शायद कम हो गया अभी, वो स्पंज वाले या स्प्रिंग वाले लेके जाता है, बड़े बड़े कंपनी वाला लेके जाता है ना। अच्छा, नारियों में लेके जाता है, जब एक साथ 2-4 ट्रक को जब बन जाता है उसका ही डीलर अलग लोग रहता है, सिटियों में लेके जाता है, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ रहता है वहाँ ले जाके बेच देता है, वहाँ फिर मैन्युफैक्चर करता है मैट्रेस। ये आरोग्य के लिए अच्छा है, वो जिसका कोल्ड रहता है उसको हीट करता है, जिसका हीट रहता है उसको गर्म करता है। जो कि हमारा अभी 2 युग होता है, एक समर एक विंटर, तो उसको बदली करके एक तरफ स्पंज रहता है एक तरफ कॉयर लगाता है, कॉयर में यही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए राजनीति की चीज़ें, राजनीति की बातें वो लगातार आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर ही अलग अलग कल्चर है उसको समझना भी भारत को ही समझना है। और इसीलिए जो है वो आपको इस गांव में मैं थोड़ा लेकर के आया, और इस गांव को जब सुबह मैंने देखा तो मैं भी एक हैरान सा रह गया कि थोड़ा छोटा सा गांव है, आबादी नहीं है। देखिए ज़्यादातर लोग अभी जो है वो नौकरी पेशा, ज़्यादातर लोग ड्यूटी नौकरी पेशा वाले लोग हैं ना, नौकरी तो बहुत कम लोग करता है यहाँ पे, अपना खेती है, बगान है। अच्छा, इसमें काम करते हैं नारियल का और रागी, यहाँ का जो मेन फसल है वो लगाता है, सब्जियाँ लगाता है, उसके हिसाब से काम करता है। तो कुछ लोग जो कांग्रेस का आज वो हो रहा है तो उधर भी लोग चले गए होंगे, जिसका जो रुचि है वो तो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता ना पॉलिटिकली। तो देखिए वो चीज़ भी आपको मैं दिखा रहा था, और इसके साथ साथ गाय भी जो है वो छोटी गाय है, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा आप इधर से आइए। और ये देखिए मंदिर जो है वो छोटे छोटे मंदिर जो है वो मंदिर भी हैं। तो ये जो चीज़ है कि उत्तर भारत के लोग जो है वो ज़्यादा धार्मिक है, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा धार्मिक है, ये भी कई बार जो है वो बहस छिड़ती है। हाँ नहीं, धार्मिक का जब बात आता है सब अपने अपने धर्म के लिए कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ। सब अपना धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, अपना अपना जगह में अपना धर्म को पालन पक्का करता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दक्षिण भारत हो, कोई भी हो। हाँ। कोई भी अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहता है। हाँ।
तो धर्म से लेकर यहाँ पे धार्मिक को लेकर कोई इश्यूज नहीं होता है। तो देखिए ये दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो घरों के बाहर रंगोली का जो है वो भी बड़ा ट्रेंड है, साफ सुथरा इसको सुबह करके और पानी से धो करके तब घर के बाहर। यस, हर दिन सुबह का टाइम पे ये हर घर में जो ये डालता है साफ सफाई करके रंगोली डालने से घर का शुभ होता है। ये हमारा पुरातन धर्म से चलते हुए आया हुआ हर घरों में ये करता है। ठीक है चलिए आगे चलेंगे थोड़ा। ए बापा आओ चुरो ये लो इतने नमी गोतले ऊर ये ना बात तो ये ना मातरती ऊर पे कितने गोतले वाला ये इधर क्या फैक्ट्री है क्या दूध का क्या है ये हाल डेयरी ना ये है मिल्क डेयरी है। अच्छा, जितने गांवों में पशुओं से दूध इकट्ठा होता है चाहे गाय का हो चाहे क्या बोलता है भैंस का, पूरा अलग अलग यहाँ पे लीटर का हिसाब से चेक करके लेते हैं। अच्छा, हम लोग दक्षिण भारत में भी हम लोग देख रहे हैं कई राज्यों में इस तरह से ये इसका क्या नाम है और कद्दू कद्दू को जो है वो ये दृष्टि उतारने के लिए नजर उतारने के लिए बिल्डिंग का ये फोड़ा जाता है। इसको पूरा जो पंडित से पूजा वूजा करा के उसके अंदर एक होल करेंगे, होल में पैसा डालेंगे। तो ये देखिए अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपने अपने तौर तरीके से जो है वो लोग जो है वो चीजों को जीते हैं। तो बहरहाल में दक्षिण भारत के गांव किस तरह से है, दक्षिण भारत के लोग क्या सोचते हैं और दक्षिण भारत और जो उत्तर भारत है उसके बीच में जो एक दीवार एक या लकीर जो है खींचने की कोशिश कई बार की जाती है, वो लकीर कितनी जो है वो सही है और कितनी जो है वो बेमानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए नारियल जो छीनने की जो बात आगे हम लोग कर रहे थे वो इस तरह से इन नारियलों को जो है वो छील करके और इसके अंदर से जो सूखा हुआ नारियल है वो निकाल लिया और उसको बेच दिया और उसके बाद में ये है तो इसका रस्सी बनेगा और वो बनेगा मैट्रेस बनेगा और उसके बाद पानी गर्म करने के लिए खाना पकाने के लिए सभी चीज़ का काम आएगा। कोई वेस्टेज नहीं होता है। नारियल को बोलता है संस्कृत में कामधेनुम कल्पवृक्षम, कामधेनु कल्पवृक्षा, भगवान का बराबर मान्यता दिया गया इसको, इससे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए नारियल के कितने फायदे हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा और एक बार जरा दिखा दीजिए नालियाँ जो छोटी छोटी नालियाँ हाँ देखते हैं हम लोग इस छोटे से एक गांव के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो एक सड़क थी उसी की केवल जो है वो बड़ी सी नाली थी, ये भी पूरे गांव की जो है वो नालियाँ कितनी साफ सुथरी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हम देख रहे हैं ये कई ऐसी ऐसी ये टंकियाँ बनाई गई ये क्यों है? ये गाँव का सभी जो नागरिकों को घर घर में पानी नहीं पहुंचा सकता, एक रास्ते के अंदर में अगर दो चार ऐसा डाल देगा तो सभी लोग ले आके पानी लेके जा सकता बिना पैसे दिए हुए। ये सरकार की तरफ से सभी गांवों में ये फैसिलिटी दिया गया। ठीक है, तो ये मकान जरा आप देखिए पुराना मकान है और बिजली का मीटर जो है वो ऊपर लगा हुआ है। तो बिजली का मीटर यहाँ पे बिजली एक सामान्य घर में कितना रुपये बिल आता है आपका इधर का? लाइट बिल, बिजली का बिल एक 200 रुपये 300 150 200 रुपये 300 रुपये तक बिल आता है आपका जो नॉर्मल आप यूज करते हैं? नॉर्मल यूज करना। एक भाग्य ज्योति एक होता है हमारा कर्नाटक के अंदर गरीबों को फ्री लाइट दिया जाता है। तो वो ये जब तक इस घर में रहेगा तब तक उसका एक लाइट फ्री दिया जाता है। उसको मतलब एक कितना यूनिट है करके देता है, उससे ज्यादा अगर चलाएगा तो उसको पैसे भरना पड़ता है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये गांव था छोटा सा गांव और अब ये खेत इस गांव के आ जाते हैं। वो खेत भी मैं आपको दिखाता हूँ और इधर गाय भी है, वो गाय भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो रंगोली की मैं बात कर रहा था एक रंगोली मैं आपको और भी दिखाऊंगा, वो थोड़ा पीछे है इधर, वो भी आप देखना, वो भी बड़ी शानदार तरीके से जो है वो एक अलग चीज है। तो देखिए अब ये खेत जो है वो आ गए हैं, ये खेत आ गए हैं तो और ये खेतों में ये नारियल की खेती के लिए पेड़ लगाए गए हैं। तो ये कितने दिन में ये पेड़ जो है नारियल के जो पेड़ हैं कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये नारियल में भी कई क्वालिटी है, 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। उसका जो हाइब्रिड जो अरक है वो 4 साल में भी आ जाता है। उसमें नारियल का पानी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध होता है, उसमें पानी ज्यादा रहता है, जल्दी आ जाता है। और 10 साल वाला अब तो कौन सा थी बरतला तीन मरा 5 वर्ष हाइब्रिड जो हले दो अभी ज्यादा से ज्यादा जो पहले जो हमारा दादा लोग जो लगाया था वो तली को छोड़ दिया, वो क्वालिटी छोड़ दिया। अभी उनको क्या आज का किसानों को आज डाल दिया तो 2-3 महीने में फसल होना चाहिए। दैट मीन्स नारियल का 5 साल में 4 साल में फल निकल जाता है। उसको लाता है लगाता है फिर उसको गड्ढा उड्ढा लगा के जो नारियल का पेड़ एक बार लगाया उसमें 5 साल के बाद में फसल मिलेगी पक्का।
तो वो फसल क्या नारियल की फिर लगातार उस पे उस फेड़ पे मिलती चलते रहेगा, लगातार चलता रहेगा, 50-60 साल तक रहेगा वो। एक पेड़ की जो जिंदगी है वो 50-60 साल रहेगा, वो फल देता रहेगा, देता रहेगा। उसको बीच बीच में हम लोग जो खाद वगैरह पानी वगैरह देना पड़ता है उसको। एक सीजन में कितना एक पेड़ से नारियल उतरता है? एक पेड़ से एक सीजन का वो 5,000-6,000 दुड डाला काई काई एक्सपोर्ट तो वेल नहीं रहा काई अंदर उन्दो उन्दर सौ एक सौ बढ़ता है 1,500 तक नारियल निकलेगा एक पेड़ से। हाँ, उसमें 20 रुपए में भी बिक्री कर दिया तो आपको एक पेड़ में एक साल को कम से कम 50,000 रुपए बेनिफिट ले सकता है। हाँ, देखिए नारियल की जो है वो खेती यहाँ के लोग करते हैं। और एक गाय थी इधर, मैंने सुबह थोड़ा दोपहर में आया था, मैंने देखा था तो छोटी गाय जो है वो थी, अभी खैर नहीं है, छोटा उसका जो गाय का जो बछड़ा होता है, हाँ बछड़ा जो है वो आपको देख रहे हैं। तो ये जो है वो दक्षिण भारत के गांव है, और दक्षिण भारत के जो ये गांव है इनको आप देखिए, और एक अलग कल्चर है। लगातार हम भारत यात्रा की बात करते हैं, लगातार हम राजनीति की भी बात करते हैं, लेकिन देश के अंदर ही किस तरह से अलग अलग जो है वो गांव हैं, अलग अलग लोगों के कल्चर हैं, उसको भी समझना ज़रूरी है। और उसको समझते हुए हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं, और वो लोग जो है वो हमसे क्या सीख सकते हैं, ये भी जो है वो एक अपने आप में। क्या संदेश देंगे आप उत्तर भारत के लोगों को? उत्तर भारत के लोगों को इतना मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, मतलब ये है। और वैसे आप तो जो है वो एक सर्विस मैन है, तो तकरीबन सब लोगों के साथ रहे भी हैं, पूरा देश आपने खुद भी देखा है, तो क्या इधर से क्या देंगे और उधर से क्या सीखेंगे? हम तो संदेश ये कि सभी जनतावासी देश की जनतावासियों को एक ही संदेश देना चाहता है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक है, यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं है। सबसे पहले मनुष्य मनुष्य बनो, एक दूसरे के अंदर भाईचारा रखो, यहाँ का कल्चर वहाँ लेके जाओ, वहाँ का कल्चर यहाँ लेके आओ, आपस में मिलके उसी से रहो, देश को आगे लेके जाओ, दुनिया के अंदर भारत क्या है। आप हिंदू, आप क्यों कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और ये एक ही धर्म है? आपको क्यों लगता है कि जो है वो अलग अलग धर्म को लेकर के बात होती है क्या? ऐसा लगता है क्या आपको? अलग अलग धर्म को कभी भी नहीं लेना चाहिए मनुष्य। आपको लगता है कि ऐसी बातें होती है? ना, हमारा यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है ना, यूपी बिहार कम्युनल रेट्स बहुत होता है आपका उधर, यूपी में होता है, बिहार में होता है, हमने खुद देखा महाराष्ट्र में होता है, लेकिन वो नहीं रखना, जम्मू कश्मीर में ले लो, है ना, वो नहीं होना चाहिए। हम सब एक है भारतवासी। हम अमेरिका जाके मेरे से पूछेगा कहाँ का आप? इंडिया। मैं सीधा बोलूँगा हाँ हिंदुस्तान का है। तू कौन सा जाति? कोई नहीं पूछेगा, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, धर्म घर का अंदर रखो। उधर से आप क्या चीज़ सीखते हैं? चलिए आपने एक बात कही कि यूपी बिहार में या दूसरे स्टेट में हिंदू मुस्लिम को लेकर जो राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, आप इस बात को कह रहे हैं। उधर से आप क्या चीज़ लेना चाहेंगे? क्या आप ऐसा, आपको क्या लगता है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसा है जो साउथ इंडिया भी उससे सीख सकता है? कुछ आपको लगता है ऐसा? साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया से सीखने का कुछ भी नहीं है आई थिंक। अच्छा, बेटर है। हम लोग दक्षिण भारत में हर चीज़ का शिक्षण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ से हम कम नहीं है, सभी अच्छा है। कुछ जगहों में उत्तरी भारतों में कुछ है वो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। एक तो पानी का प्रॉब्लम है हमारा, ये जो बना रहा है अभी ना दक्षिण भारत में नदियाँ मिलाएंगे, वो नदियाँ मिल जाएगा तो सारे कल्चर एक हो जाएंगे दक्षिण में। बस गंगा योजना क्या एक बना रहा है मोदी जी, वो अगर दक्षिण भारत में यदि वो आ जाएगा तो यूपी का कल्चर कौन सा है, कर्नाटक का कल्चर क्या, कोई पता नहीं चलेगा, तब सारे एक हो जाएंगे। चलिए, तो कोशिश यही थी हमारी कि आपको जो है वो राजनीति से अलावा भी जो संस्कृतियां हैं अलग अलग भारत की, रहन सहन है, कल्चर है, वो आपको समझाएं, वो आपको बताएं। और यहाँ पर गोविंद जी जो हैं वो खुद एक सर्विसमैन भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बात होती है वो कम बात होती है, ये इशू को लेकर के, मुद्दों को लेकर के ज़्यादा बात होती है, और इसीलिए जो है छोटे छोटे गाँव में भी इतना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। छोटे छोटे गांव हैं लेकिन उसके बावजूद एक छोटा सा गांव है उसमें आंगनवाड़ी है, उसमें वाटर प्योरीफायर लगा है, उसमें ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो अच्छा है, बड़ी बड़ी नालियां बनी हैं, लोगों की जो है वो आजीविका के लिए वो अपना नारियल का खेती कर रहे हैं। तो आप देख रहे कुल मिला करके
गांव के जो वातावरण है वो किस तरह से है। दूसरी बात जो है कि जो बात हमने यहाँ पर उठाई कि आपका उत्तर भारत से क्या सीखेंगे, तो आप बताइए कि उत्तर भारत से दक्षिण भारतीयों को क्या सीखना चाहिए और दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से क्या सीखना चाहिए। और जो बात यहाँ पर गोविंद जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात खास करके यूपी बिहार में होती है उसको कम करना चाहिए, उसको लेकर के और ये गांव हमने आपको दिखाया है इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर